क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम आप जानते ही हो और आप देख रहे हैं हिमाचल का पहला टेक चैनल। गाइज, आज की वीडियो ना थोड़ी सी अलग होने वाली है, थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे कोई भी टेक रिलेटेड बात नहीं करूँगा, अपने बारे में बात करूँगा कि मैंने अपने चैनल में क्या क्या चेंजेस किए हैं, और थोड़े बहुत ना आपसे सजेशन मांगना चाहता हूँ कि और मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ अपने चैनल को और इम्प्रूव बनाने के लिए। गाइज इंट्रो मस्त है ना। मैंने डाला, मैंने सही है ना। गाइज एज यू नो कि ये हिमाचल का पहला टेक चैनल है, तो मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैनल को अच्छे से मैनेज कर सकूं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊं। मोस्टली क्या होता है ना कि जब हम नया चैनल बनाते हैं तो हमें कुछ इतना आइडिया नहीं होता कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी टॉपिक को उठा लेते हैं और उस पर वीडियो बना लेते हैं, तो ये बाद में हमें अफेक्ट करता है। मैंने इस चैनल पर लगभग 40 वीडियोस बना दिए अब तक, तो थोड़ा सा आइडिया एक्सपीरियंस मिल गया है कि आप लोग किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो और किस टाइप की मुझे वीडियोस को एडिट करना रहेगा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम रहता है कंटेंट ढूंढना, उस कंटेंट को आपके सामने रिप्रेजेंट करना। अगर आप थोड़ी सी एडिटिंग जानते हो तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या मुश्किल आती है कंटेंट को एडिट करने में, उसको रिप्रेजेंट करने में। ये सिर्फ वीडियोस की बात नहीं है, आप चाहे किसी भी बात को ले लो, अगर आपने कोई चीज़ किसी को समझानी है तो आप उसको किस वे में समझाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से समझा सकते हो तो ऑब्वियस है दूसरे बंदे को भी समझ आएगा। फिर चाहे आप फनी एक्सेंट यूज़ करो, फिर या फिर कैजुअल या फिर प्रोफेशनल वे यूज़ करो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। फनी से याद आया, मेरे कुछ व्यूअर्स बोलते हैं कि भाई तू बहुत ही बेकार जोक्स मारता है, बेकार डायलॉग्स मारता है। मेरा घर है, मैं जो करूंगा करूंगा। तो यार अभी मैं नया हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा एक्सपीरियंस आता रहेगा, तो उस हिसाब से मेरे जो ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होएगा, तो तब तक झेल लो। इतना ही बोल सकता हूँ। और हिमाचल से हो तो आप लोग बोलोगे कि यार हिमाचल का तो एक भी शूट नहीं आया है, हिमाचल की तो एक भी वीडियो नहीं आई है, तो थोड़ा सा वेट। आजकल ना मौसम थोड़ा सा बेईमान हो रहा है, थोड़ा सा अपने रूम पे ही शूट करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, अपने रूम को ही स्टूडियो बना रखा है मैंने, लेकिन आउटडोर्स में भी वीडियो शूट करूंगा और साथ ही आने वाले टाइम में आपको हिमाचल की भी सैर कराऊंगा। अभी एक दो दिन बाद आपको शिमला की सैर कराऊंगा, एक नए तरह की वीडियो होगी, एक नेक्स्ट लेवल की वीडियो होगी, तो थोड़ा सा वेट करिए, एक दो दिन बाद वीडियो पक्का आएगी। और गाइस हिमाचल की बात हुई, व्यूज़ की बात हुई, नेचर की बात हुई, तो ऐसा करते हैं लोकेशन चेंज करते हैं। ऑन द काउंट ऑन 3 1 2 1 2 3। और गाइस हमने लोकेशन कर दी है चेंज। गाइस कुछ व्यूअर्स ने मुझे पूछा कि भाई अनबॉक्सिंग्स वगैरह कब आएगी, तो जल्दी आएगी, चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। और गाइस चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दो बार क्लिक मत करना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो अनबॉक्सिंग्स वगैरह बहुत जल्द लेकर आऊँगा, रिव्यूज़ वगैरह तो मैं अभी भी देता हूँ। एक मैंने अभी एक दो दिन पहले वन प्लस नॉर्ड वर्सेज सैमसंग A51 के बारे में आपको बताया था, अगर वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं लिंक डाल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और गाइस कमेंट करके बताना कि पीछे का व्यू कैसा लग रहा है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देखो पीछे का व्यू, बहुत सही सी जगह में बैठा हूँ मैं। और लास्ट में गाइज मैं फ़िलहाल अपनी जितनी भी वीडियोस है वो सारी स्मार्टफोन से शूट करता हूँ, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है A3, बहुत पुराना फ़ोन है लेकिन कैमरा अच्छा है। तो अभी मेरे को फ़िलहाल DSLR की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, डजेंट मैटर कि आप फ़ोन से शूट कर रहे हो या DSLR से शूट कर रहे हो। हाँ मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत 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 ज़्यादा शौक है, तो अगर आप में भी थोड़ी सी स्किल्स है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फ़ोन से शूट कर रहे हो या DSLR से शूट कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ से, फ़ोन से, DSLR से एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ ले सकते हो। तो गाइज ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही साथ रहिए, क्योंकि जनरली होता क्या है ना कि जब लोग 40-50 वीडियो बना देते हैं तो उसके बाद ना YouTube छोड़ देते हैं, तो मैं अभी भी टिका हुआ हूँ, होप्स हो कि मैं आगे भी टिका रहूँ, थोड़ा सा ग्रो हो जाऊँ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हिमाचल का एक बंदा इतना ग्रो कर रहा है, पहला टेक चैनल है। तो सपोर्ट करिए, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से भी सब्सक्राइब करवाइए ज़बरदस्ती। और हाँ कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना कि आप
किस टाइप की वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हो और मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, क्या क्या मैं आग लगा देने वाले तगड़े तगड़े चेंजेस इस चैनल में कर सकता हूँ आपकी हेल्प से। टेक न्यूज़ भी मैं थोड़े टाइम में लाने वाला हूँ, पहले मैंने एक दो टेक न्यूज़ बनाई थी फिर मैंने छोड़ दी थी, लेकिन अब से वो कंटिन्यू करूँगा। एक हफ्ते में एक बार या दो या दूसरे हफ्ते में एक बार मैं टेक न्यूज़ ज़रूर लेकर आऊँगा, थोड़ी यूनिक सी टेक न्यूज़ लेकर आऊँगा जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और मैंने प्लान किया है कि एक मंथ में एक महीने में एक बार मैं एक सिनेमैटिक वीडियो लेकर आऊँगा, जो मैं अभी लेकर आया था थोड़ी दिन पहले, इसी लोकेशन पर मैंने शूट करी थी। अगर वो भी नहीं देखी है तो आई बटन पर वो लिंक डाल रहा हूँ, इस वीडियो के बाद अब वो वीडियो भी देख सकते हो। बहुत ही माइंड फ्रेशिंग वीडियो बनाई थी मैंने, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि आप मज़ा आ गया वीडियो देख के। तो गाइस पता है क्या, शिमला का मौसम है और कुछ कह नहीं सकते कि कब जैसे बारिश हो जाए। अब फ़िलहाल तो मुझे अभी गर्मी लग रही है, तो ऐसा करते हैं वापस अपने रूम पे चलते हैं और वीडियो को रैप करते हैं। ओके, वी आर बैक। तो गाइस इतना ही था इस वाली वीडियो में, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि मैं कैसे कैसे वीडियोस को प्लान करता हूँ। कोई भी सजेशंस है या कोई भी शिकायत है या फिर कोई भी अपनी भड़ास निकाल ली है तो गाइस कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप उसमें जी भर के मैसेज, कमेंट्स, शिकायत, जो भी आपने लिखना है वो कमेंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भाई हमेशा आपको रिप्लाई करेगा, सीरियसली सच में। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।